आज के इस प्रेस मीट का मकसद है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 4 तारीख पहली फहरिस्त जो लिस्ट है कर्नाटक स्टेट असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए 3 लोगों का नाम जाहिर किया है। आप सब लोगों को मालूम है कि वो कल बीजापुर के शहर में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अलहाज उस्मान गनी साहब ने प्रेस के माध्यम से उन्होंने ऐलान किया। उसके अंदर बेलगाम नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 11 कर्नाटक स्टेट जनरल सेक्रेटरी और नॉर्थ के कैंडिडेट लतीफ़ खान पठान, उसके अंदर मेरा नाम डिक्लेयर हुआ है। साथ साथ दुर्गप्पा काशप्पा बिजवाड़ हुबली धारवाड़ ईस्ट 72 कॉन्स्टिट्यूशन नंबर, इसी तरह मिस्टर अल्लाह बकश महबूब साहब बीजापुर बसवन भागीवाड़ी कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 28। इसके अलावा भी नॉर्थ कर्नाटक से और कर्नाटक कल्याण जो एरिया से बहुत से अभी भी यहाँ पे एप्लीकेशन स्कूटनी में है, उसका जांच चल रही है एक स्पेशल एजेंसी की तरफ से, जो स्टेट हमारे नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो भी पहले जो बिहार का मामला हो या मुंबई का मामला हो, जो कैंडिडेट को हम देने के बाद में जो कैंडिडेट अपने तरफ से कुछ चीज़ों के पॉलिटिकल दबाव या कोई लालच में नॉमिनेशन करने के बाद या सी एंड डी फॉर्म देने के बाद में विड्रॉल किया हुआ केसेस बहुत होने आने की वजह से जांच करके ही कैंडिडेट को दिया जा रहा है, दैट इज़ द फैक्ट। रही बात दूसरी के हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट डालने की तैयारी कर रहे हैं और हमने आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे जीत के जाएँ, जहाँ पर हमारी जो 45 अबव जो परसेंटेज दलित और मुस्लिम और पिछड़ा समाज जो है वहाँ पे हमने कैंडिडेट डालने की तैयारी की है। साथ साथ जहाँ पे हमने कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ा है वहाँ पे हमको कामयाबी मिली है, भले एक मिले या दो तीन मिले, जो हमारे केडर्स भी है और हमको वहाँ पे इलेक्शन का लड़ा हुआ तजुर्बा भी है। अब रही बात बेलगाम के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस हुआ है, अब भी 3 अनाउंस होने के बाकी हैं, उस नेक्स्ट अगर अनाउंस लिस्ट में जब होता है तो उसकी भी जो लिस्ट है हमारे स्टेट प्रेसिडेंट उस्मान गनी साहब जाहिर करेंगे। और इसी तरह साउथ कर्नाटक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं, उसकी भी स्क्रूटनी जारी है, वो भी दूसरे या तीसरे राउंड के अंदर उसका हमने अनाउंस करेंगे। इसी तरह 224 के अंदर हम पूरे तो नहीं लड़ा रहे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाने की उम्मीद है। जितने एप्लीकेशन आ रहे हैं अगर उस तरीके से अगर देखा जाए तो एक 50 तक लड़ने की एप्लीकेशन ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर अगर स्क्रूटनी हो के अगर अब हमारी एक टीम है जो नेशनल लेवल पे आके उसका कैंडिडेट का स्टडी कर रही है कि जहाँ पे हमारी ताकत के साथ में हमने फाइट दे सके, हम इस लड़ाई है ना जितने के कतार पर की लड़ाई हमारी है, हमको वोटर्स कितना हमारे संविधान बचाओ का आंदोलन है जहाँ पे आज तक सब पार्टियाँ 70 साल तक पिछड़ा समाज में, सिर्फ मुसलमान हूँ बोल को नहीं बोलूँगा, हमारी पार्टी के अंदर जितने भी लोग आए हुए हैं वो सभी समाज के हैं, दलितों को और पिछड़ा समाज को मुसलमानों को जो वादे कर कर के आज मसले जब तैयार हो गए, वो मसले को कोई आगे आके उसको ना असम्बली में उठाया ना कभी मैदाने आवाज़ उठाने के लिए ना पब्लिक में आ गए। इलेक्शन जब आता है तो सब लोग आएंगे हर चीज़ के लिए अपने मैनिफेस्टो में करेंगे, लेकिन आज के अंदर एक भी कोई ऐसा मैनिफेस्टो और ऐसा नहीं है कि हम आने वाले दिनों के अंदर फिरका परस्त ताकत जो संविधान के खिलाफ आवाज़ उठा रही है उसके ऊपर हम कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, ये एक भी किसी का बता के दो मेरे को।
ये सो कॉल्ड पार्टी करने वाले आज 70 साल तक हुकूमत किए, मुसलमानों का, दलितों का, अकलियतों का वोट लेके, आज उनके मैनिफेस्टो में उनकी सुरक्षा के बारे में कोई अगर बताया होगा तो दो मेरी बात को मैं दुरुस्त कर लूँगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविधान अगर बचेगा तो हमारा देश बचेगा। संविधान पे अगर देश चलेगा तो सब लोग खुशहाली पाएंगे। हमको भारत के अंदर कर्ज मुक्त भारत चाहिए, वायलेंस मुक्त भारत चाहिए। हमारा भारत संविधान के दायरे पे चलना चाहिए, किसी के हुक्मरान के दायरे पे नहीं है। आपको खुद को मालूम है, जब छोटा सा एक हादसा होता था तो आज राजीनामा देने के मोमेंट आती थी। मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि मुंबई के अंदर जब ताज होटल के ऊपर हमला होता है, रात भर जब फाइट होती है तो आतंकवादी मारे जाते हैं, जब दूसरे दिन जायज़ा लेने के लिए हमारे होम मिनिस्टर पहुंचते हैं, सिर्फ उन्होंने ड्रेस बदला था, ड्रेस बदल के साथ में एक फिल्म के डायरेक्टर को ले के जाने के एक शिकायत के ऊपर उनको राजीनामा देने की पड़ी थी। बात मैं याद दिला रहा हूँ। आज इतने हादसे हो रहे हैं, दिन में 3-3 ड्रेस तो बनता ही तो है ही है, वो तो नौटंकी का जमाना चल रहा है, लेकिन आज भी कोई उसको आवाज़ नहीं उठा। एक मिसाल बता रहा हूँ, मैं ताईद नहीं कर रहा हूँ उन लोगों की, लेकिन एक डर और खौफ पब्लिक के लिए था। आज वो डर और खौफ नहीं है, भले वो गुजरात का जिंदा जलाने का वाकया हो, मुसलमानों के लिए बोल के नहीं है, ये एक इंसानियत के नाते, एक दलित को भी, बच्चे को रेप करके जलाया गया यूपी के अंदर, कोई यूपी का कोई राजीनामा नहीं दिया, ना नेशनल का कोई लीडर राजीनामा दिया। आज 40% सबूत हो गया है यही करप्शन के लेके, आज मांग नहीं कर रहे हैं दूसरे अलग अलग पार्टियाँ, लेकिन राजीनामा देने के नाम नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जब उनका निकाला गया, तुम्हारे परेड में जब करप्शन हुआ तो कौन राजीनामा दिए। ये चीज़ों का जुगलबंदी चालू है, लेकिन आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। अभी जो भाई बताया ना, अब मैनिफेस्टो तो स्टेट निकालेंगे नेशनल वालों ने, अभी जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो हमारे नेशनल बॉडी भी, स्टेट बॉडी के लोग आएंगे। मैनिफेस्टो का मोमेंट चल रहा है, लेकिन मेन मैनिफेस्टो यही है कि भारत के अंदर संविधान के मुताबिक देश चलेगा और कर्ज मुक्त भारत हो, कर्ज मुक्त राज्य भी हो। बेलगाम में और कौन सा है, ये बेलगाम में सिटी में कौन सा, और साउथ कौन सा क्या है? हाँ, अभी तो साउथ नॉर्थ को तो हो गया, साउथ और रूरल के लिए कोई कैंडिडेट हमारे पास में एप्लीकेशन नहीं आए, लेकिन कुर्ची, रायबाग और अथनी, MIM का आपको तो मालूम है, जब असद साहब जब जहाँ भी जाएंगे तो लोगों की भीड़ तो जमा हो जाती है। लोगों का भी कहना है कि लोग तो आ जाते हैं, वोटर में कन्वर्ट नहीं होते। अगर मैं कहूँगा, ये वोटर में कन्वर्ट होने के लिए हकीकत में लोगों की अपने तकलीफ़ों को याद कर लेना चाहिए। जिस इंसान ने पार्लियामेंट में बेबाक होकर मुसलमानों की, दलितों की, बिछड़े हुए समाजों की जब आवाज़ उठाता है, और वही नेता पब्लिक में आता है तो मोहब्बत में सब लोग गले मिलने के लिए उसको तैयार हो जाते हैं। तो मैं वही पब्लिक से और वही वोटरों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मोहब्बत आपने मशीन का बैलेट पेपर दबा के जाहिर करके बताओ कि मैं असल में आपको जो संविधान बचाने के लिए और देश बचाने की जो लड़ाई कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं और तुम्हारे नुमाइंदों को हमने जिता के भेज रहे हैं। साथ में रही, अभी 1.5 साल के पहले महानगर पालिका में इलेक्शन हुआ, हमारा एक कैंडिडेट ऑलरेडी विन है, हमने 6 कैंडिडेट बैठाए थे, उसके अंदर एक को हमको पब्लिक ने जिताने का मौका भी दिया, आज हमारा कैंडिडेट सामने है। इसकी तरह हमें उम्मीद भी है हमको कि हमने एक 1800 जो वोटर्स का कैंडिडेट है, जो OBC ये जो कुरवा समाज का, मुसलमानों ने और दूसरे दलितों ने, सब जने मिलकर 2 बार का चांस उनको दिया है। फिर 2 बार डिलिमिटेशन के बाद में एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट को 2 बार चांस दिया है, तो हम कहेंगे कि इस बार MIM को चांस ज़रूर यहाँ की पब्लिक देगी और जिताएगी और खिदमत का मौका भी देगी। और असद साहब की निगरानी में, उनकी क़ियादत में, ही इज़ द लीडरशिप ऑफ द असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में यहाँ का कैंडिडेट काम करेगा इंशाल्लाह। सर, आपका एजेंडा क्या रहेगा? अब वहाँ हमारा तो बेलगाम सर्वे ने, बेलगाम में सर्वे नहीं किया, 10 साल तक हमने महानगर पालिका के अंदर रूलिंग पार्टी रोल किया है, सर्वभाषिक समविचार विकास वेद के। अगर मैं आपको बोलूँगा,
सर्ववासी का सभी भाषाओं के लेके जाना है, डेवलपमेंट विकास डेवलपमेंट करना है। ये तो एजेंडा क्या है हमारा? तो एजेंडा यही है, एक तो हम बेलगाम में चाहते हैं कि यहाँ पे जो भाषा विवाद है उसको ख़त्म होना चाहिए। नशा है सबसे ज़्यादा बड़ा नशा का, वो सब कम्युनिटी में है, सिर्फ अकलियत मुसलमानों पे है बल्कि नहीं है, सब तरफ है। देश के नौजवान अगर हमारे बेलगाम के नौजवान अगर मजबूत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे तो घर वाले भी सुकून रहेंगे और बेलगाम के रहवासी भी सुकून से रहेंगे। तो इलेक्शन जब आता है तो सब जने मैनिफेस्टो लेके आते हैं और रोड भी लेते हैं। जब इलेक्शन हो जाने के बाद में जितना हलाल कट हो गया, हिजाब का मामला हो गया, दुकानों को मंदिरों में नहीं रखने का हो गया, कौन कितने लोग आके रोड पे ठहरे, कितने लोग एजेंडे पे, कौन पार्टी नेशनल पार्टी आके ठहरे, हम आके ठहरे, हम आवाज़ उठाए। जब हिजाब के लिए जब बेलगाम से आवाज़ उठी तो पूरे कर्नाटक में आवाज़ उठी। हाँ, हिजाब का मसला निकला उड़पी से, उसको आवाज़ उठाने वाले कौन थे? बेलगाम से शुरुआत हो गई। मेरा बोलने का मतलब ये है उसका हल आज भी हुआ नहीं है। एक आज मैं आपको ही बताऊं, ये फिरका परस्त ताकत अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए आज संविधान का सबसे बड़ा पार्लियामेंट हाउस दिल्ली, सेकंड हमारे स्टेट के हिसाब से बेंगलोर, वहाँ पे कानून पास नहीं किया जा रहा है, कानून को कोर्ट के जरिए पास किया जा रहा है और उसको मुसलत किया जा रहा है। सबसे पहली बात आपको मैं बताता हूँ, संविधान के अंदर सब लोगों को समान हक जो उनके अपने अपने तौर तरीके के दिया है, आर्टिकल 25। जब संविधान के ऊपर चलना है तो सुनो, संविधान के ऊपर अगर चलना है तो आप अगर हिंदू है तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि आप हिंदू बोलने के लिए संविधान के दायरे में हिंदू का शब्द है ही नहीं है। एक तो सेकुलर है वो, ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है। हाँ, उसके अंदर एक बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, उसके लिए हमको इजाज़त दिया गया है, अब हमारे तरीके से हम चलते हैं। अब एक बात, इसीलिए हमको डाइवर्ट किया जा रहा है इस बात के ऊपर लेकर, हिंदू और मुस्लिम करके राजनीति कर रहे हैं, संविधान के ऊपर चलो ये राजनीति बंद हो जाएगी। इसलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत दूरअंदेशी से इस देश को सेक्युलर के नाम पे दिया गया है। देश का कोई धर्म नहीं है, संविधान का कोई धर्म नहीं है, अब सब इस देश में सब धर्म वाले रहते हैं। हमने इसीलिए तो जाति का मुद्दा नहीं रहेगा, देखो जाति का मुद्दा खेलने वाले बीजेपी है, जाति का मुद्दा आज तक बीजेपी खेल रही है और वोट ले रही है और लड़ा रही है एक दूसरे को, और उसको मरम पट्टी के नाम के ऊपर एक दूसरे को डरा के कांग्रेस वोट ले रही है। अगर हमको हम जिता के सत्ते में अगर नहीं लेके आएंगे तो आपको फलाना फिरकस ताकत वाले तुमको जुल्म करेंगे। जब इन्हों सत्ते में थे कई 70 साल तक, उसके अंदर एक 10 साल खत्म कम करके चलो, जब इन लोगों ने उनको क्यों नहीं कानून के डेरे में लेके आया, क्यों नहीं उनको बैंड किया? आज तक अपोजिशन में जितने भी थे एमपी के अंदर 167 अभी प्रेजेंट एमपी 167 कांग्रेस से तैयार होकर बीजेपी में चले गए। अब मुझे बोलो अपोजिशन रहा कहाँ है? अपोजिशन का रोल तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने निभा रहे हैं भाई, दूसरा कोई अपोजिशन का रोल नहीं निभा रहा, भले वो कोई मुद्दा हो, सिर्फ मुसलमानों का ही बोल के नहीं है, मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो बोलने के लिए मना किए हैं कांग्रेस वालों ने, हमने बोल के बोलने वाले आज कांग्रेस को मम करके बिठा दिए थे, व्हिप निकला था कि कोई बात नहीं करेगा, ना हिजाब के ऊपर बात करेगा ना हलाल कट के ऊपर बात करेगा, फिर मुसलमानों के लिए दूसरे अकलियतों के लिए ये क्या सपोर्ट करके ठहरेंगे? आज एजेंडे के ऊपर आ रहे हैं ये लोग, हम फ्री यूनिट देंगे, हम फलाना राशन देंगे, हम तो बोलेंगे भाई एक बार सत्ता दे के देखो, लोगों को हम काम देंगे, लेकिन सत्ते में मजर एक बोलेंगे दो चार लोग तुम चुन के क्या जाओगे, हम लड़ेंगे उनके साथ में, अपोजिशन हम है बता के देंगे। सवाल नहीं है ये भाषावाद पार्टी के लोगों को चाहिए, ये सवाल होने नहीं देते। मैं 10 साल तक कर्वर्ष में देख चुका हूँ, जब हम सर्वभाषिक समविचार अगाड़ी जब बनाए थे, इस विवाद को हमने कैंपस के बाहर रखा था, ओनली इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट, इसके ये एजेंडे को कैंपस से बाहर रखा था। आप पूछ सकते हैं, अभी भी मेरे साथ में जो काम किए हुए लोग जो महापौर उपमहापौर जो हैं बेलगाम के अंदर, उनको जाके पूछो तुम, आज नहीं रहे संभाजी पाटिल, इज़ द ग्रेट लीडर, उन्होंने इसको बहुत खूबी से उन्होंने निभाया और संभाला भी। अभी तीन में से एक ऑलरेडी दलित 72 जो हुगली का है, वो ईस्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन दलित का है, वो तीन में से आप एवरेज आप निकालो, दो मुसलमान है एक दलित है। कांग्रेस ना हमारी सगे वाली पार्टी है ना बीजेपी हमारी सगे वाली पार्टी है। शायद हो सकता है कि आप इस बोलने के बात को जितना आप अपगंडा कर रहे हो उसकी से ज़्यादा 10 गुना कांग्रेस करती है कि उनको अपने फायदे। अच्छा, अभी तीन जहाँ पे जो इलेक्शन हम नहीं लड़े, तीन राज्यों में जो वहाँ पे अभी मेजॉरिटी दो जगह में फुल आ गई, एक में तो अलायंस के मामले को लेकर कर दिया, फिर वहाँ पे कहाँ ट्वीट किए थे और वहाँ कितने लोग लड़े थे, फिर वो तीन आने के लिए उसा असुद्दीन, वो इसी कारण है
या MIM पार्टी कारण है, क्या है आप बोलो, आप तो मीडिया वाले। नहीं नहीं यही तो भले स्टेटमेंट, एक मिनट, स्टेटमेंट से जब सत्ता बदलती है तो हम आगे कैंपेन करने के बाद में लोग वोट देने के लिए 6 लोगों को हमने यहाँ पे बिठाए थे, एक चीज को आ गया। अरे मेरे भाई, कैलकुलेशन जब होता है, आरोप अगर करना है तो प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। कोई अगर बोलता है तो हम बोल रहे हैं, इसके अंदर एजेंडा दोनों ही है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि हमने बी टीम। अब बोलने दो, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बोल चुके हैं, ये बोलते ही रहेंगे, हम काम करते ही रहेंगे, ये एजेंडा चलते रहने वाला। आज जैसा कि अभी बेलगाम के लिए आप बोले कि भाषा विवाद बहुत है, गड्डी विवाद बहुत है, मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी है, क्यों नहीं इस बॉर्डर इशू को ख़त्म किया? क्योंकि वहाँ पर निशाना करके बता रहे हैं, कोर्ट में है, तो कोर्ट में किसकी छिक्की चल रही है अभी, किसका छिक्का चल रहा है? रात को 2-2 बजे तक कोर्ट के अंदर फैसले के लिए सिटिंग होती है, तो फिर ये भी 2 बजे तक सिटिंग करा के ख़त्म करना था। बहुत अच्छी बात है उन्होंने किए थे, अगर उन्हें बोला है, मैंने भी सुना हूँ कि डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास में, खाली 10 लाख आप बोल रहे हैं, करोड़ों का डील हुआ है, ये भी किया। और दूसरा और ही किया, शायद आपने सुना है, वो तुम्हारा बेंगलुरु के अंदर LH के अंदर करोड़ों का डील हुआ है। मैं अगर उस बंदे को कहूँगा और आपके माध्यम से कहूँगा, आपको भी कहूँगा, अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री अगर लेकर के असद साहब के सामने अगर बैठ के अगर तुम्हारे सब मीडिया के सामने अगर दे दिया ना, तो मैं मेरी तरफ से उसको 10 लाख रुपए दूंगा, प्रूफ देना और सामने बिठा के, वो भी असद साहब के सामने देना और मीडिया के सामने देना। उन्हें वक्त आने के बाद में दे, तुम बोला था वक्त अभी आ गया है देने के लिए, बोलो असद साहब के सामने सबको बुलाकर मेरी तरफ से 10 लाख पर्सनल दूंगा।